हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में। 52 वीक का हाई है 4644, 52 वीक का लो है 1810। क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 31514, डिलीवरी क्वान्टिटी 10295, डिलीवरी परसेंटेज 32.67%। डिलीवरी परसेंटेज अच्छी है। luxinnerwear.com, ये है इस कंपनी की वेबसाइट। आप कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या क्या इनका प्रोडक्ट है। ये देखिए, 60 ईयर्स ऑफ लेगेसी, 2000 करोड़ प्लस टर्नओवर, 36,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज़, ये इनके ब्रांड्स हैं। तो वेबसाइट आप विजिट करके देखिए और यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इनके बिजनेस के बारे में। मार्केट कैप है 7188 करोड़ की, डेट है 144 करोड़ का, प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं प्रमोटर्स की, लास्ट 3 क्वार्टर में 74.39 से 73.95, ये कम है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर की कंपेरिजन में कॉन्स्टेंट है। FII 4.10 से 2.82, ये कम हो गए हैं। DII 6.57 से 6.60, ये बड़ी है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर की कंपेरिजन में नॉमिनल कम है। पब्लिक यानी रिटेलर्स 14.94 से 16.63, ये बड़ी है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। तो ये है इस स्टॉक का 1 वीक का चार्ट। 1 वीक के चार्ट में RSI 36, ये है 1 डे का चार्ट, 1 डे के चार्ट में RSI 48, और ये है 1 आवर का चार्ट, 1 आवर के चार्ट में RSI है 47। 1 वीक का चार्ट अगर छोड़ दें तो बाकी दोनों चार्ट में RSI बुलिश है। और ये स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2393.30 पर बंद हुआ है। तो ये स्टॉक 4644 का हाई लगाता है, उसके बाद में अभी 2393, कह सकते हो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे आपको स्टॉक अभी भी मिल रहा है। और ये स्टॉक लास्ट के 8 वीक से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे 2639 के आसपास में और नीचे 2171, यही एक रेंज है अभी जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये रेंज है, तो यहाँ से रेंज या तो अपसाइड ब्रेक होगी या फिर ये डाउनसाइड ब्रेक होगी। बात करते हैं 1 डे के चार्ट में। 1 डे के चार्ट में देखिए, साफ फॉल, पुल बैक, डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश तो की, बट यहाँ से फिर ये देख रहे होगे एक साइडवेज हो गया है। यहाँ से कह सकते हो फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना दिया है इस स्टॉक ने। 1 आवर के चार्ट में बात करते हैं। 1 आवर के चार्ट में देखिए, यहाँ पे फुली एक रेंज है, ऊपर की साइड दिख रहा होगा और यहाँ पे भी आपको एक रेंज दिख रही होगी। तो यहाँ पे भी ये स्टॉक अगर आप देख रहे होगे, ये फुली यहाँ पे एक रेंज में है। तो जो लोग ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड हैं, आप करंट मार्केट प्राइस पे अब आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, 50% डाउन हो चुका है। लेकिन जो लोग अब इसी स्टॉक को फ्रेश एंट्री देख रहे हैं या फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं, आप इसी स्टॉक को बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता, ये है 2460 के आसपास में, तो 2460 के आसपास से अगर ये ऊपर निकलता है, आप इसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर वो 2460 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है, बाय कीजिए। ऊपर का जो टारगेट होगा वो 2630, उसके बाद में 2830, देन 3174, उसके बाद से एक गैप अगर आपको दिख रहा हो, ये गैप भी फिल करना है इसी स्टॉक को। तो ये गैप भी फिल करने ऊपर जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, टाइम तो लगेगा ही। लेकिन नीचे आपको ये सपोर्ट भी याद रखना होगा, हो सकता है ये स्टॉक नीचे और आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि ये स्टॉक हो सकता है ऊपर निकले यहाँ से। तो आप अपना जो टारगेट प्राइस है उसको ध्यान रखिए, उसके बाद जैसे वो ब्रेक करे आप एंट्री लीजिए और इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए आप रख लीजिए। या फिर जो लोग स्विंग ट्रेड के लिए रखना चाहते हैं, 3175 या 2830 के आसपास भी इस स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी नीचे इसका यही सपोर्ट है 2163।
सॉरी 2150 के आसपास में। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में यहाँ पे समवेयर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो यहाँ पे इसने सेम सपोर्ट लिया है, तो यहीं से सपोर्ट लेने के बाद में कंसोलिडेट ही कर रहा है अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8 वीक से। सो फ्रेंड्स, आप इसी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आपको बाय करना है नहीं करना है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।